दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप तो मुझे देखते ही होंगे अक्सर। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे युवाओं के बीच में एक गलत फहमी बनी रहती है कि YouTube आपको पैसा नहीं देता है, और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम YouTube चैनल चला रहे हैं, YouTube में काम कर रहे हैं, हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारा क्या भविष्य होगा, और किस तरह से हम अपने परिवार को चला पाएंगे, और कैसे जो है हम पैसा बना पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक YouTube चैनल है खबर आसपास, जो कि न्यूज़ पोर्टल है, जहां पर मैं अपने आसपास की खबरें दिखाता हूं। आसपास मतलब मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, या ये बिहार का चैनल है। मैं आपको बता दूं, जब मेरा सफ़र 13 महीने पहले जब चालू हुआ, लगभग मेरे चैनल के 13 से 14 15 महीने हो चुके हैं, और जब ये सफ़र चालू हुआ तो एक शौकिया तौर पर हुआ। स्टार्टिंग में मैंने कुछ अपने आसपास के बहुत सारे आप कह सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड पेड़ पौधे, इन सब का वीडियो बनाना शुरू किया, जो कि लोगों ने काफ़ी हंसी मजाक में उड़ाया कि क्या पेड़ का पौधा वीडियो बना रहा है, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे ये सीखने का क्रम है, मैं सीखता रहा और मैंने अपने आसपास के जो कार्यक्रम है उसके वीडियो बनाने चालू किए, जिनसे काफ़ी लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद किया। उसके बाद फिर सफ़र आगे बढ़ता चला गया, और उसके बाद जो है वो इससे आगे का क्रम चला, और फिर जो है हमने मधुबनी जिला और झंझारपुर के कार्यक्रम को भी हम कवर करना हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ तक भी कुछ कॉन्फिडेंस मिला, और जहाँ जिस कार्यक्रम में जाते थे उस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र होते थे उनसे भी कुछ हमें प्रमोशन मिलता था। इस तरह से चलता रहा क्रम। और मैं आपको बता दूं, आज जो हम स्पेशल वीडियो लाए हैं उसका मेन मकसद है, क्योंकि आज खबर आसपास में एक नए सदस्य की एंट्री हो चुकी है। अब वो नया सदस्य आपको मिलेगा, दिखाई देगा, और हर जगह जहां हम जाएंगे हमारा वो नया सदस्य आपको दिखाई देगा। तो हम अब नए सदस्य की आपको अपना नया सदस्य, खबर आसपास का जो नया सदस्य आया है, जिसने खबर आसपास को ज्वाइन किया है दिवाली में, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। खबर आसपास का जो मेरा नया सदस्य है वो है मेरी TVS स्पोर्ट। जी हाँ, ये TVS स्पोर्ट जो कि आप खबर आसपास का एक नया सदस्य बन चुका है, और मैंने इसकी खरीदारी की है दिवाली में, यानी कि लक्ष्मी पूजा जिस दिन होता है मैंने इस दिन इसकी खरीदारी की है। हालांकि इसकी बुकिंग धनतेरस को हो चुकी थी, धनतेरस को हमने इसे बुक किया था, परंतु किसी कारणवश, क्योंकि दिवाली का समय था और कार्यक्रम बहुत व्यस्त थे, इस कारण धनतेरस को मुझे समय नहीं मिला। तो मैंने बोला क्यों ना इसे लक्ष्मी पूजा दिन लिया जाए, और दिवाली के दिन हमने इसे परचेज किया है, फाइनेंस कराया है, परचेज नहीं किया है, मैंने कुछ पैसा जमा कराया है, उसके बाद फिर मैंने इसको लिया है। अब धीरे धीरे जैसे मैं काम करता रहूँगा, महीने महीने इसका पैसा जमा कराता रहूँगा। लेकिन एक बात है कि आज से 15 महीने का जो सफ़र था, उस सफ़र में मुझे आशा नहीं थी कि मैं इस लेवल पर पहुंच पाऊंगा, और मुझे इतना विश्वास हो जाएगा कि मैं बाइक लूँगा और उसकी किस्तें लगातार चुकाता रहूँगा, या उसकी कमाई YouTube से मैं इतना पैसा कमा पाऊँगा कि मैं इसका कर पाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं 100% जो मेरी आमदनी है वो YouTube से आती है। मेरा चैनल खबर आसपास मोनेटाइज हो चुका है, 4000 घंटे उसके लगभग पूरे होने वाले हैं, 100 घंटे बाकी है, लेकिन लगातार दर्शकों का प्यार मिलता रहता है। जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमें इनवाइट किया जाता है, और साथ साथ वहां पर प्रमोटर्स के द्वारा कुछ राशि हमारी मदद की जाती है। मैं आपको बता दूँ, इस तरह से हमारा चैनल रन कर रहा है। आज इसमें 2 मेंबर आए हैं, और मैं आपको बता दूँ, आपने देखे होंगे जिसमें यूट्यूबर आपको गाड़ी दिखाते नजर आते हैं कि हमारी गाड़ी है, और एक तरह से दर्शकों को खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं और बता नहीं रहा हूं, मैं आपको ये सबूत दिखाना चाहता हूं कि देख सकते हैं, ये आपको मैं क्लोज से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, देख सकते हैं आप, राज ऑटोमोबाइल्स बस स्टैंड मधेपुर मधुबनी। हालांकि इसकी ब्रांच झंझारपुर में थी, जहां पर से हमने इसको परचेज किया। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें जो है इसमें, विष्णुकांत सिंह, सन ऑफ राजेंद्र सिंह, शंकरपुर वार्ड नंबर 2, इस तरह से पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रमाण है कि हमने इस गाड़ी के
हमने इस गाड़ी को लिया है और मैं आपको बता दूं इस समय मेरी कोई भी आमदनी नहीं है, मेरी आमदनी सिर्फ YouTube से आती है। YouTube से आप कह सकते हैं कि डॉलर बनता है, तो ऐसा नहीं है, अभी डॉलर नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स करते हैं, तो YouTube आपको एक ऐसा मंच देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत से काम करो तो। हालाँकि मेरे चैनल में कई अप डाउन आए, बीच में मैं बीमार भी हो गया, ऑपरेशन भी कराना पड़ा। हालांकि मैंने ये बात अपने व्यूअर्स को नहीं बताई क्योंकि मैं उस तरह की सहानुभूति नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद अप एंड डाउन्स के बराबर मैं लगातार काम करता रहा और आज मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूं कि मैंने एक बाइक ली है अपनी यूट्यूब के कमाई से, और इसे बाकी जो पैसे बचे हैं वो भी अपने यूट्यूब के कमाई से ही दूंगा। तो वो सभी न्यू कमर्स जो YouTube में काम कर रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं और जिनको लगता है कि YouTube से कुछ कमाई नहीं आने वाली है, वो सभी ब्लॉगर्स जिस तरह से सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल लगा के काम करिएगा तो हर फील्ड में आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी एक उपलब्धि थी, लगातार ये मेरे साथ रहेगी, आगे भी देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से इसमें वर्क करता हूँ और आगे क्या प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी खबर आसपास को प्यार दिया है, स्नेह दिया है और साथ साथ हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इसे इतनी अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी ताकि जो है ये दूर दूर तक वीडियो पहुँच सके, और वो सभी जो नए क्रिएटर्स हैं जो अभी YouTube पर जिन्होंने काम करना शुरू किया है उनको एक मोटिवेशन मिल सके और वो भी YouTube पर मेहनत लगा के काम कर सके। तो इस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर देखेंगे कोई नई उपलब्धि आएंगे तो उसमें भी आपके साथ हम ज्वाइन करेंगे। इन शब्दों के साथ देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।